हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो ये आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल, चपाती, किसी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला फ्रेंड। तो यहाँ पर उसके लिए हम एक कढ़ाई बैठा दिए हैं गैस पे। कढ़ाई जैसे ही हमारा गर्म होगा, मैं 2 चम्मच सरसों तेल डाल दी हूँ। यहाँ 4 से 5 बॉयल किया हुआ आलू इस तरह से मैं पीसेस में कट कर ली हूँ, और उसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है तेल में, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है सोना होने तक। तो अब देख सकते हैं इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे। तो तेज़ आंच पर हम इसे फ्राई कर ले रहे हैं, लो पे नहीं हम कर रहे हैं फ्राई। तो यहाँ पर देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से भुना गया है आलू, फ्राई हो गया है तेल में। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 बड़ा साइज का प्याज, जिसे मैं इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। उसे भी हमें आलू के साथ भून लेनी है बिल्कुल कलर चेंज होने तक। प्याज को भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है फ्रेंड। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आलू और प्याज दोनों को भून लेनी है अच्छी तरह से। उसके बाद टेस्ट के अनुसार मैं नमक डाल दूँगी, और इसको भी हम नमक को भी मिला दूंगी। इसमें बहुत कम मसाले पड़ता ही नहीं है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। बिना मसाला का बना सकते हैं इसको। और एक यहाँ पर मैं हरी मिर्च कट करके डाली हूँ, और यहाँ पर देखिए 1 ग्लास ले ली हूँ, जिससे हमें इस तरह से मैश कर लेनी है। तो आलू को सारा हम मैश कर लेंगे। इससे क्या होता है ना फ्रेंड, अगर आप पहले ही मैश करके अगर भुनने के लिए आप डालते हैं ना आलू को, तो ये अच्छी तरह से नहीं भुनाता, उतना टेस्ट नहीं आता है जितना कि अभी टेस्ट आएगा। तो पहले हम फ्राई कर लेते हैं आलू को, उसके बाद हम इसको इस तरह से मैश कर लेते हैं। अगर पहले मैश करके डालिएगा तो अच्छी तरह से नहीं भुना पाता है मैश किया हुआ आलू। तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही थी, सोची आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। मैं जब भी भरता बनाती हूं ना आलू का, इसी तरह से मैं बनाती हूं। पहले मैं फ्राई कर लेती हूं, उसके बाद मैं मैश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बाउल में मैं निकाल ली हूँ। आप इसे चाहे तो चावल, रोटी किसी के साथ खा सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा मैं कच्चा प्याज डाल रही हूँ, मुझे कच्चा प्याज बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम मिला लेते हैं। कच्चा प्याज डालने से तो टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप चपाती के साथ खाइए या दाल चावल के साथ इस भरता को खाइए, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड।